हाय गाइस, दिस इज योमेश सिन्हा। आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स ऑफ ट्रैक्टर चेसिस के बारे में, ठीक है ना। जैसे कि आपके ये सिलेबस में टॉपिक है मैकेनिक्स ऑफ ट्रैक्टर चेसिस, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एज यू नो, हमारे वीडियो अगेन बायलिंगुअल होगा। जो स्क्रीन पे जितने भी चीज रिटन है वो इंग्लिश में है, बट जो एक्सप्लेनेशन होगी वो हिंदी में होगी, ठीक है ना। तो जनरली क्या होता है, जो चेसिस होता क्या है पहले वो जान लो कि जनरली चेसिस क्या होता है। एक ऐसा मतलब हब होता है, जस्ट लाइक एक होल्डिंग डिवाइस होता है, जिसमें आपका सारा टिश्यू क्या किया जाता है, ऐसे फिट किया जाता है, फिर माउंट किया जाता है। जैसे कि आपने रोड पे ऐसे खाली चलते हुए ऐसे खाली ट्रक देखा होगा, जिसमें सिर्फ ऐसे मुंडी रहता है और उसके पीछे क्या रहता है, जो उसके चेचिस जो है लगा होता है। बट ट्रैक्टर के केस में क्या होता है, इसमें चेचिस नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसे स्पेशली कोई चेचिस नहीं प्रोवाइड करा जाता। जो इसमें जितने भी इसके जो ट्रांसमिशन सिस्टम से लेकर, मतलब इंजन से लेकर, जो आपका पावर आउटपुट जो मिल रहा है आपका, जो जितने भी सिस्टम्स लगे हुए हैं, मतलब जो गियर ट्रेन है, ये सारे मिलके ही एज अ चेसिस वर्क करते हैं, ठीक है ना। मतलब वही आपका चेसिस का काम करता है। तो उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे आप, कि एक्चुअल में जो जो मैकेनिज्म होता है आपका ट्रैक्टर चेसिस का, वो कैसा होता है, क्या क्या होता है। तो वो सारी चीज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देखो, ये सामने जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इसको देखो, ये क्या है आपका, ये फ्री बॉडी डायग्राम है किसका, आपका ट्रैक्टर का। अब जैसे कि ये डायग्राम में जितने भी चीज मेंशन है, अपन उसके बारे में करके देख लेते हैं। अब जैसे ये हमारा फ्रंट साइड हो गया ट्रैक्टर का, ये क्या हो गया, रियर व्हील, ठीक है ना। ये फ्रंट व्हील है और ये रियर व्हील है। अब जैसे कि ये डब्ल्यू, ये जो डब्ल्यू है, ये क्या है आपका, वेट ऑफ ट्रैक्टर है, ठीक है ना। मतलब ट्रैक्टर का अपना खुद का एक वेट होगा, जितना भी वेट होगा वो ट्रैक्टर का वेट क्या हो गया, डब्ल्यू। जहां नीचे पॉइंट में जो सीजी लिखा हुआ है, ये होता है आपका क्या चीज, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जनरली जो ट्रैक्टर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो फ्रंट से 1/3 और रियर एक्सल से आपका 2/3 के में एक्ट करता है, ठीक है। तो अपन यहां पर रिज्यूम कर रहे हैं कि ये जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यहां पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। जो ये स्मॉल एच लिखा हुआ है, स्मॉल एच देखो, ग्राउंड सरफेस से लेकर सेंटर, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, फिर हाइट बोलो, ठीक है। इसको ये इसको किसको डिनोट किया अपन, एच से, ठीक है। अब यहां पर देखो, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। तो जो जो पॉइंट आपका फ्रंट व्हील का और रियर व्हील का जो ग्राउंड के साथ सरफेस, ग्राउंड सरफेस के साथ जो कांटेक्ट में आ रहा है, उसको ए और बी ऐसे करके डिनोट कर दिया है, ठीक है। अब देखो यहां पर जी क्या चीज है, तो जी ये देखो, ये रियर एक्सल है। तो रियर एक्सल से लेकर आपका जो यहां पर वेट, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर आपका एक्ट कर रहा है, उसके बीच के डिस्टेंस को किसे डिनोट किए हैं अपन, जी से डिनोट किए हैं। और देखो फ्रंट एक्सल और रियर एक्सल के बीच का जो डिस्टेंस, इसको एल से डिनोट किया है। जनरली इसको क्या बोला जाता है, व्हील बेस बोला जाता है, ठीक है ना। आपका फ्रंट व्हील हो गया और जो रियर व्हील होता है, ठीक है, फ्रंट एक्सल और रियर एक्सल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसको क्या, व्हील बेस बोलते हैं, ठीक है। उसको किसे डिनोट, यहां पर किसे डिनोट किए हैं आप, एल से। अब देखो एक और है कि जैसे कि ये हो गया आपका NF और NR। तो जैसे कि न्यूटन का थर्ड लॉ को पता ही होगा कि एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहां पर भी सेम चीज है। अगर जैसे कि जो भी आपका ट्रैक्टर के व्हील के कारण, मतलब जो वेट के कारण ट्रैक्टर के व्हील से जो फोर्स आपके जमीन पे पड़ रहा है, मतलब सरफेस पे, तो उतना ही फोर्स क्या करेगा, अपोज वहां पर वापिस व्हील पे लगा गया, फिर ट्रैक्टर पे लगा गया, ठीक है। तो ये जो NF और NR है, ये रिएक्शन फोर्स है, ठीक है। NF मतलब रिएक्शन ऑफ, मतलब फ्रंट का हो गया, और जो NR है, R से क्या हो गया आपका, रियर का, ठीक है। तो ये रिएक्शन फोर्स है आपका NF और NR। अब जैसे कि जो टर्म बच के देखो, ये जो स्मॉल H1 लिखा हुआ है, अब मान लो कि जाए कोई भी आपका इंप्लीमेंट इसे अटैच्ड है, ठीक है ना। तो ग्राउंड सरफेस से वो कितने हाइट पे अटैच है, उसका ये हाइट या फिर डिस्टेंस हो गया। और जो यहां पर ये एस है, तो एस को देखो, यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है ना। आपका ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, तो इससे बीच का ये डिस्टेंस क्या हो गया आपका, एस होगा। अब देखो जैसे कि आपका अगर कोई भी इंप्लीमेंट उसमें आप हीच करते हो, अगर आप ट्रैक्टर से, तो जनरली उससे क्या होता है, एक कूलिंग फोर्स लगेगा। तो कूलिंग फोर्स को अपन एक एंगल पे लगता है ना, तो उस एंगल को क्या, कैसे उसको, जैसे कि आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ोगे, कोई ऐसे फोर्स लगता है, तो उसको आप साइन अल्फा कॉस अल्फा में आप क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो, ठीक है। तो यहां पर एक वाला, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा आपका, पी कॉस अल्फा, और ये क्या है आपका, पी साइन अल्फा। मतलब जो पर्टिकुलर एंगल में जो लग रहा है, उसको अपन क्या कर दिए हैं, इसको रिजोल्व कर दिए हैं, ठीक है। पी कॉस अल्फा और पी साइन अल्फा, ये। और अब क्या बच गया आपका, एफ आर।
अब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एफ आर ट्रैक्टिव फोर्स ऑफ रियर व्हील, ठीक है ना। जो ट्रैक्टिव फोर्स जो हम लोग ट्रैक्शन टर्मिनोलॉजी जब पढ़ रहे थे तो वहां पर एक चीज पढ़े थे कि जो ट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है, ट्रैक्शन क्या होता है, इंटरेक्शन बिटवीन सॉइल सरफेस एंड व्हील, तो उसके कारण जो फोर्स लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रैक्टिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सारा चीज जो यहाँ पर जो डिनोटेड है इसी चीज का यहाँ पर क्या है आपका, क्या है मतलब ये लिखा हुआ है कि W क्या है आपका वेट ऑफ ट्रैक्टर kg और किलो न्यूटन में, P इज इक्वल टू हो गया ड्रॉवर पुल kg और किलो न्यूटन में, NF इज इक्वल टू है आपका फ्रंट व्हील ग्राउंड रिएक्शन, NR है आपका रियर व्हील ग्राउंड रिएक्शन, FR है आपका अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ रियर व्हील, G हो गया डिस्टेंस फ्रॉम रियर एक्सल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रैक्टर, L है आपका व्हील बेस, H डिस्टेंस ऑफ हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम ग्राउंड सरफेस, एल्फा क्या है आपका एंगल ऑफ पुल विथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, यहाँ पर जो ये वाला एंगल बन रहा है ना ये वाला, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है इसको क्या बोलती है, इसको अल्फा डिनोट किए हैं। H1 आपका क्या हो गया, हाइट ऑफ ड्रॉवर हिच पॉइंट फ्रॉम ग्राउंड, तो ये जो ड्रॉवर हिच है यहाँ पर जनरली आप ड्रॉवर देखते हो ना ट्रैक्टर का, तो यहाँ पर जो ड्रॉवर है इसके इसका वो क्या हो गया, हाइट हो गया। और एस क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम रियर एक्सल टू द हिच पॉइंट। अब एस जैसे यहाँ पर है ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या है आपका, एस है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक डायग्राम हो गया ट्रैक्टर का। अब आगे जो इसका डेरिवेशन है उसको अपन देखते हैं। तो एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ ट्रैक्टर, ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन देखते हैं हमारा, कंसिडरिंग अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ट्रैक्टर, ठीक है, अपन फ्री बॉडी डायग्राम कंसीडर करते हैं ट्रैक्टर को और अंडर स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि समीशन ऑफ एफ एस मतलब जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लगेंगे और जितने भी वर्टिकल फोर्सेस लगते हैं, जैसे कि जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहे हैं उसका समीशन जब आप करोगे तो वो क्या होता है, इज इक्वल टू जीरो, या फिर जितने भी वर्टिकल फोर्सेस जो लग रहे हैं उसका जब आप उस सबको ऐड करोगे तो वो किसके इक्वल में होगा, जीरो के इक्वल में होगा। या फिर आप किसी भी पर्टिकुलर जो भी आपका फ्री बॉडी डायग्राम है एक पर्टिकुलर एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब आप मूवमेंट निकालोगे, ठीक है ना, तो वो मूवमेंट सारे मूवमेंट अगर ऐड करोगे तो वो क्या होता है आपका, जीरो होता है, ठीक है ना। मतलब ये समीशन ऑफ एफ एस इज इक्वल टू जीरो और समीशन ऑफ एफ वी इज इक्वल टू जीरो। तो जो न्यूटन का थर्ड लॉ होता है ना, इक्वल एक्शन मतलब एक्शन इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन, ईच एक्शन इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन, तो वही चीज यहां पर है कि अब जैसे कि एक एक करके जो हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो एक्ट कर रहा है जो ट्रैक्टर में, जितने भी हम लोग जो जो जिसलिए जितने भी फोर्स आपका जो एंगल में एक्ट कर रहा था उसको अपन रिजॉल्व कर लिए वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में, और उसके बाद इसका समीशन करेंगे हम, जो जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहे हैं और जितने भी वर्टिकल फोर्स लग रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला अपन देखते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एफ एच इज इक्वल टू। अब देखो एफ एच मतलब जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जितने भी एक्ट कर रहे हैं, तो यहां में कंपेयर देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सा है, मतलब ये वाई वाले एक्सिस में, अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस में कौन से आपके फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, या फिर हॉरिजॉन्टली कौन से फोर्स आपका एक्ट कर रहा है। ये देखो एक तो हो गया आपका ये पी कॉस अल्फा और ये क्या हो गया आपका एफ आर, ठीक है ना। अब देखो यहां पर एक चीज और ध्यान देने की बात है कि यहां पर आपको डायरेक्शन में ध्यान देना पड़ेगा कि देखो एफ आर का डायरेक्शन क्या है और जो पी कॉस अल्फा है उसका डायरेक्शन क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा एफ आर इज इक्वल टू पी कॉस अल्फा, ठीक है। मतलब अगर आपका जैसे कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक को पॉजिटिव लोगे दूसरे को क्या लेना पड़ेगा आपको, निगेटिव। मतलब अगर आप एफ आर को पॉजिटिव ले रहे हो तो क्या लेना पड़ेगा आपको, एफ आर माइनस पी कॉस अल्फा। तो जब आप एफ आर को एक साइड रख के पी कॉस अल्फा को दूसरे से ट्रांसफर करोगे तो एफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पी कॉस अल्फा, ठीक है ना। ये न्यूटन के थर्ड लॉ जो लॉ ऑफ मोशन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, एफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी कॉस अल्फा। अब जैसे कि अपन उस वो जो ये तो हो गया अपना हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, ठीक है। अब जो वर्टिकल फोर्सेस जो है ये देखो वर्टिकल फोर्सेस में क्या क्या लिखा, क्या है आपका एन आर प्लस एन एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस पी साइन अल्फा, ठीक है। अब वापिस अपन डायग्राम में आते हैं और देखते हैं कि वर्टिकली कौन से फोर्स आपका एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये एन एफ है, ये अपवर्ड है, ये एन आर है, ये भी क्या है अपवर्ड है, डाउनवर्ड अपवर्ड में सिर्फ ये दो लग रहा है, डाउनवर्ड में देखते हैं ये आपका पी साइन अल्फा हो गया और ये क्या हो गया आपका डब्ल्यू हो गया, ठीक है। तो एक को वापस से पॉजिटिव साइड लेंगे और एक को निगेटिव साइड लेंगे तो क्या होगा एन आर प्लस एन एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस पी साइन अल्फा, क्योंकि ये डब्ल्यू और ये पी साइन अल्फा आपका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और ये जो एन आर और एन एफ आई ये अपवर्ड एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से जब आप वर्टिकल फोर्स को रिजोल्व करोगे तो आपको एक रिलेशन मिलेगा एन एफ मतलब एन आर प्लस एन एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू पी साइन अल्फा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं देखो, मूवमेंट ले रहे हैं, टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए,
ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में मूवमेंट लेंगे अपन, ठीक है। तो जैसे कि ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब मूवमेंट लेंगे तो यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है, जैसे कि मूवमेंट निकालते कैसे हैं, किसी जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट से मूवमेंट निकालते हैं, सबसे पहला ध्यान तो ये रखना कि जिस पॉइंट से मूवमेंट निकाले हैं तो उस पॉइंट से जो भी आपका फोर्स जाएगा उसका मूवमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और बाकी जो दूसरे चीज का जब अपन मूवमेंट निकालेंगे तो उसमें ये होता है अप्लाइड फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जितना भी फोर्स लग रहा है और उसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना क्या निकलता है, मूवमेंट निकलता है। अब जैसे कि ये जो समीशन ऑफ एम इज इक्वल टू जीरो लिखे हैं, अब यहाँ पर किसके ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वापिस डायग्राम में आते हैं, देखते हैं अपने को इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या निकालना है, आपको मूवमेंट निकालना है। तो जितने भी फोर्सेस हॉरिजेंटली एक्ट कर रहे हैं फिर वर्टिकली एक्ट कर रहा है उसका, और उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों को अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और यहां पर भी हमको डायरेक्शन का बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर आपका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो एक, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन को आप निगेटिव ले रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, मतलब जस्ट अपोजिट। एक को आप किसी को भी पॉजिटिव ले सकते हो और किसी को भी निगेटिव ले सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि यहाँ पर जो मैंने क्या लिया है कि मतलब ए के रिस्पेक्ट में अपन निकाल रहे हैं, तो सबसे पहला अपना क्या हो जाएगा, एक तो होगा आपका क्या चीज, ये डब्ल्यू, ठीक है। तो ये डब्ल्यू एक्ट कर रहा है तो डब्ल्यू, और ये कौन किधर एक्ट कर रहा है, देखो डाउनवर्ड। तो जैसे कि आप जिस भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में मूवमेंट निकालना है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वैसे अंगूठा रखो, और अंगूठा रखने के बाद एक उंगली को आप कहाँ लेके जाओ, जिस जहां पर आपका लोड लग रहा है, और उस लोड पे जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में आपको उंगली को रोटेट करके देखना, मतलब अंगूठा को स्टैटिक कंडीशन में रहने देना और उंगली को रोटेट करके देखना, तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्लॉक वाइज है कि एंटी क्लॉक वाइज है। मैं यहाँ पर जो क्लॉक वाइज है उसको पॉजिटिव ले रहा हूँ और जो एंटी क्लॉक वाइज है उसको निगेटिव ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज देखना, सबसे पहला अपना जब मूवमेंट निकालेंगे तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो एक क्या है आपका डब्ल्यू, और ये इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इसका डायरेक्शन और रोटेशन क्या होगा, ऐसा, तो ये क्या हो गया आपका क्लॉक वाइज हुआ, ठीक है। तो मैं इस यहां पर जो क्लॉकवाइज उसको पॉजिटिव ले रहा हूं, तो ये क्या हो जाए आपका डब्ल्यू जी, ठीक है, डब्ल्यू इंटू जी, एक मूवमेंट ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहां पर देखो एन एफ जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये एन एफ, इसका जो डायरेक्शन है ये क्या है, अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसको अगर यहां पर आप अंगूठा रखोगे इसका डायरेक्शन ऊपर है तो ये ऐसे रोटेट होगा, ठीक है ना। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, और इस पॉइंट से इस एन एफ के बीच का डिस्टेंस क्या है आपका एल, ठीक है। तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, हो गया एल, तो ये एल इंटू एन एफ, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में है फिर एंटी क्लॉकवाइज में, इसी ये वाला मूवमेंट क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ इंटू एल, ठीक है। एक ये हो गया, तो एक ये वाला पॉइंट हो गया, एक हो गया, और कौन सा हो गया आपका, अब देखो ये पी कॉस अल्फा, ठीक है, पी कॉस अल्फा। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले तो देखो मतलब ये जो आपका फोर्स लग रहा है इसके और इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, जो एच वन जो मेंशन है ना, ये आपका क्या होगा, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वापिस से वही ट्रिक अपनाओ, यहां पर अपना अंगूठा रखो और यहां पर उंगली रखो और जिस भी डायरेक्शन में उसे आप ऐसे रोटेट करके देखो, तो इसको भी जब आप रोटेट करोगे तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में रोटेट होगा तो वापिस से ये वाला जो मूवमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस एच वन पी कॉस अल्फा, ठीक है, क्योंकि ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। उसके बाद एक और बच गया आपका क्या चीज, पी साइन अल्फा। तो ये पी साइन अल्फा और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपन निकाल रहे हैं जो पॉइंट ए है, तो इसके बीच का देखो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है आपका एस, तो एक और मूवमेंट क्या बनेगा आपका, माइनस एस पी साइन अल्फा, ठीक है। तो ये जो चार मूवमेंट है चारों को यहां पर फिर एक इक्वेशन फॉर्म में लिखा गया है कि समीशन मतलब जो मूवमेंट इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी माइनस एन एफ इंटू एल माइनस एच वन पी कॉस अल्फा माइनस एस पी साइन अल्फा, ठीक है। अगर ये कुछ डाउट हो तो इस वीडियो को इसे रिपीट करके देख लेना, ठीक है। अब देखो ये अपने को इक्वेशन मिल गया, अब ये इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो है तो अपन एन एफ को एक साइड रखें, ठीक है, ये एन एफ, बाकी ये वाला टर्म ये एस पी साइन अल्फा एच वन पी कॉस अल्फा और डब्ल्यू जी, इसको उठा के किधर साइड लेके दूसरे साइड लेके गए, या फिर जो एन एफ को अपन इधर लेके आ गए, ठीक है। तो ये जो एन एफ माइनस एन एफ एल है, जब इसको इधर साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बाकी इसको अदर रख दो, डब्ल्यू इंटू जी माइनस एच वन पी पी कॉस अल्फा माइनस एस पी साइन अल्फा, और ये जो एन एफ के साथ आपका एल मल्टीप्लाई था तो ये क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान देना, ये सबके डिवाइड में आएगा, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर एक के डिवाइड में नहीं आएगा, सारे के सारे डिवाइड में आएगा। अब देखो इसको अपन थोड़ा सिंपलीफाई कर रहे हैं, एन एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू जी बाई एल, एल को इधर अलग अलग लिख दिए, यहां से दोनों माइनस है तो अगर अपन माइनस बाहर निकालेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएगा, ठीक है। एच वन पी कॉस अल्फा प्लस एस पी साइन अल्फा डिवाइड बाई एल, देखो एल को या इसके भी अपन डिवाइड में लिख दिए और इसके भी डिवाइड में लिख दिए,
ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर वन। अब देखते हैं जैसे कि नाउ वी नो दैट, जैसे कि जो आपका न्यूटन का थर्ड लॉ है, जो ट्रैक्टर का जो वेट लग रहा है, ठीक है, डायग्राम में वापस देखना आप, जो ट्रैक्टर में जो वेट लग रहा है यहां पर देखो, ठीक है, ये वाला पोर्शन देखो, जो ट्रैक्टर में जो वेट लग रहा है, इस वेट का अपोजिट डायरेक्शन कहां कहां पर जा रहा है, एक एन एफ हो गया और एन आर हो गया, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एन एफ प्लस एन आर, ठीक है ना, वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एन आर प्लस एन एफ। अब देखो ये हो गया एन आर, और एन एफ की वैल्यू यहां से जो इक्वेशन नंबर वन है, यहां से एन एफ की वैल्यू अपन यहां पर पुट कर दिए, ठीक है, ये जितनी भी वैल्यू है एन एफ की, डब्ल्यू जी बाई एल माइनस एच वन पी कॉस अल्फा प्लस एस पी साइन अल्फा डिवाइडेड बाई एल, ये ब्रैकेट क्लोज, इसको कंप्लीट यहां पर क्या कर दिया अपन, पुट कर दिया। अब इसको बाद इसको इस वैल्यू को यहां पर पुट करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, वापिस से ये आपका एन आर हो गया, एन आर को एक एक साइड रहने देते हैं और इसको क्या किधर ले आते हैं, इधर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो वापिस यहाँ पर जो सिंबल है, मतलब जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये डब्ल्यू जी बाई एल ये प्लस में इधर आके माइनस हो गया, ये वाला माइनस है इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर इसको अदर चीज रहने दिया है, इसको फिर से अगेन थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई किए हैं कि यहाँ से क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू एल माइनस जी, अगर डब्ल्यू बाहर निकालेंगे तो यहां से एल एक यहां आ जाएगा, एल माइनस जी डिवाइड बाई एल, तो ये एनआर की वैल्यू हो जाएगी, तो आपको एनएफ भी मिल गया और एनआर भी मिल गया। और तो ये हो गया आपका एनआर, जो मतलब रिएक्शन फोर्स जो था आपका वो कैलकुलेट हो गया। अब बात करते हैं अपन फॉर ट्रैक्टर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कंडीशन के लिए, जैसे कि ये जो रिलेशन है आपका डब्ल्यू इंटू जी बाई एल, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए आपका किसके, एच वन पी कॉस अल्फा प्लस एस पी साइन अल्फा डिवाइड बाई एल। मतलब आप अगर यहां पर न्यूमेरिकली अगर वैल्यू, अगर आपको न्यूमेरिक वैल्यूज का पता है, उसको अगर आप पुट करो इस इक्वेशन में, ठीक है, तो इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, तभी क्या होगा आपका ट्रैक्टर जो है स्टेबल रहेगा, ठीक है। और एक ड्रॉवर पुल होता है ट्रैक्टर का, तो जैसे कि यहां पर जो लिखा हुआ है बी एच वन कॉस अल्फा और फिर एस पी साइन अल्फा डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू डब्ल्यू जी बाई एल, इसी को अपन ये वाला जो फॉर स्टेबिलिटी वाला है इसी को यहां पर लिखे हैं, पी एच वन कॉस अल्फा प्लस एस पी साइन अल्फा डिवाइड बाई एल इज इक्वल टू डब्ल्यू जी बाई एल। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका, पी इज इक्वल टू, ठीक है, यहां इस दोनों से अपन पी को बाहर निकालते हैं, तो ये एल और ये एल आपका कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों, ये वाला एल, तो डब्ल्यू जी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका, एच वन कॉस अल्फा प्लस एस पी साइन अल्फा, ये होता है आपका ड्रॉवर पुल ऑफ ट्रैक्टर। तो अब जैसे कि आपके पेपर में क्या आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, अगर आपको ड्रॉ वर्क पुल पूछ रहा है तो आपको पूरा यहां तक बनाना पड़ेगा, अगर सिर्फ आपको रिएक्शन फोर्स रिएक्शन फोर्स अगर निकालने बोल रहा है तो आप सिर्फ एनआर और एनएफ निकाल देना। स्टेबिलिटी के लिए बोल रहा है, जैसे कि आपके सिलेबस में सारा चीज मेंशन है स्टेबिलिटी, तो आप ये वाला कंडीशन भी आप शो करना, ठीक है। और अगर जनरली अगर मैकेनिक्स ऑफ ट्रैक्टर चेसिस के बारे में आता है तो सिर्फ आप एनएफ और एनआर की वैल्यू निकाल देना, इतना क्या होगा, इनफ होगा, ठीक है। अगर इसमें कुछ डाउट आता है तो वीडियो को वापस एक बार रिपीट करके देखना, ठीक है ना, आपको सारा ये चीज क्लियर हो जाएगा। इसको काफी अच्छे से पढ़ लेना, आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो, थैंक यू।